नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण दर्शन मार्ग दैनिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं दैनिक पंचांग की। 24 अगस्त 2019 शनिवार का दिन है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी, अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:57 से दोपहर 12:49 तक, और राहु काल का समय है सुबह 9:09 से सुबह 10:46 तक। अब बात करते हैं आज के उपाय की, गुड लक की। कृष्णाष्टमी है, जन्माष्टमी जिसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण को फूलों से सजाया जाता है। इन्हें बांसुरी, शंख, जो अति प्रिय चीज़ें हैं, हम आपको 5 चीज़ें बताएंगे, वैजयंती की माला, हर श्रृंगार के पुष्प और साथ में माखन मिश्री का भोग बहुत ही पसंद है, उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालना चाहिए। बिना तुलसी के पत्ते का कोई भी भोग मत लगाइएगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए रात में 12 बजे के बाद ही आप फास्ट तोड़ सकते हैं, अगर आपने फास्ट रखा है तो। अगर आप सामर्थ्य नहीं हैं कि आप नाना प्रकार के पकवान बना के भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, तब ऐसे में आप एक लोटा जल लें, उसमें 2 तुलसी के पत्ते डाल दें और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दें या वहाँ पे रख दें, श्री कृष्ण के विग्रह के पास, मूर्ति के पास। अब रात 12 बजे के बाद आप फिर उन्हें प्रणाम करें, आरती वगैरह करें, झूला झुलाएं। अगर आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है तब क्या करेंगे? तब एक लोटा जल में 2 तुलसी के पत्ते लेकर पास के किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाएं, वहाँ सब कुछ होते हुए, पूजा पाठ तमाम तरह की चीज़ें होते हुए देखें और एक लोटा जल जो आपने लेके गया है भगवान श्री कृष्ण जी के सामने रख दें। अब जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है उसके बाद इस लोटे का जल लेकर घर चले आएँ, खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और पूरे परिवार को भी दें, दूसरों को भी दें। यही है सबसे बड़ा महाप्रसाद। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि वालों, काफ़ी व्यस्तता बनी रहेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घट सकती है जो आपको बड़ा बदलाव देखने को दिखा सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के भी योग बन रहे हैं जो कि आपके लिए सुखद रहेगा। अगर आप मेहनत के बल पर जॉब की तलाश में है तो आपको जल्द ही आपकी मंजिल मिल सकती है। आप इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना हुआ है। सेहत का ख्याल रखें और अपनी वाणी पर भी संयम बनाए रखें, किसी से भी बिना मतलब के वाद विवाद ना करें। ये दिन अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों से, जैसे कला, संगीत, फिल्म, मीडिया वाले क्षेत्र में हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे अगर आप व्यापारी हैं तो लाभ के योग बन रहे हैं, और हो सकता है इस दिन मंगल के कारण थोड़े से स्वास्थ्य में जो परेशानी है उसको अगर अनदेखा करें तो ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसलिए सुबह नहाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका शुभ रंग है फिरोजी, भाग्य साथ निभाएगा 70%। राधे राधे।